नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ वन लक्ष सुनील कुशवा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आप सबके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। एमपी पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था कुछ टाइम पहले, उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और अभी वेबसाइट नहीं चल रही है क्योंकि लगभग 12 लाख स्टूडेंट जिन्होंने जो फॉर्म भरा था वो, और साथ में उनके पेरेंट्स और टीचर लगभग सभी एकदम से लॉगिन कर रहे होंगे। तो एक साथ में जब एक वेबसाइट पर 20 लाख लोग लॉगिन करते हैं या फिर विजिट करते हैं तो अपने आप ही वो क्रैश हो जाती है। तो काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें सही होने में। आप सोचो कि कहीं जाके किसी जुगाड़ से चेक करा लो, तो वो जब तक वेबसाइट नहीं खुली तब तक चेक नहीं होगा। आप बार बार ट्राई करते रहो, जब भी आप सर्च करते हो फ्री स्पेस मिलता है वेबसाइट को तो वो सर्च हो जाता है, ठीक है। दूसरा, नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा वेट करिए, एक दो घंटा तीन घंटा आपका आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो होना है वो तो हो गई, ठीक है। सेकंड दोस्तों, जो एमपी फर्स्टगढ़ का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसका रिजल्ट भी आप मान लीजिए कि जून 20 से 25 जून के समथिंग उसका रिजल्ट आ जाएगा। और बहुत सारी वैकेंसी पड़ा, आप यदि आपने कॉन्स्टेबल का फॉर्म लिया तो कॉन्स्टेबल का फॉर्म भर दीजिए, एमपी कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। तो काफ़ी अच्छा मौका दिया 23 में नौकरी पाने का, और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेसन, और बेस्ट ऑफ लक आगे जॉब करने के लिए, क्योंकि नौकरी करना भी काफ़ी अपने आप में टफ होता है। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए एमपी कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी करें, साथ में जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी भी नई जो आने वाली है, और काफ़ी वैकेंसी जो 2023 इलेक्शन से पहले 100% आएंगी, तो आप तैयारी करते रहिए, कहीं कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई है वो वेस्टेज नहीं जाएगी, उसका कहीं ना कहीं आपको आपको उसका जो लाभ है, आपको उसका जो प्रॉफिट है या उसका एडवांटेज है वो आपको ज़रूर मिलेगा नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में। दोस्तों बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक अपने रिजल्ट को देखने के लिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।